देखो, अगर मैं एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, तो अगर आप इस सीरीज को पूरा प्रॉपरली अच्छे तरीके से देखते हो, तो अगर आप अफिलिएट में अभी ज्वाइन किए हो या फिर अभी आप थोड़ा बहुत अर्निंग करके आप लाइक आप उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारे स्ट्रेटेजीज मैं इस ट्रेनिंग में शेयर करने वाला हूँ, इस सारे सीरीज में शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने 5 से 6 महीने के अंदर कम से कम 7 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम को जनरेट किया है, किस तरीके से मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो को, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। सो आज का हमारा ट्रेनिंग का जो टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है माइंडसेट ट्रेनिंग, है ना, कि अगर आप लोग अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किए हो, तो आपको अब क्या करना है, कैसे आप क्या काम करोगे तब आपकी इनकम आना स्टार्ट होगी, वो सारे स्ट्रेटेजीज मैं आपको शेयर करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है माइंडसेट ट्रेनिंग एंड टू ग्रो फास्ट इन अफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक जीरो लेवल पे हो, लाइक अभी आप स्टार्ट किए अफिलिएट इंडस्ट्री के साथ, अभी वर्क अफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्ट किए, तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप फॉलो करोगे और किस तरीके से फॉलो करोगे जिससे आप इनकम को जनरेट कर पाओ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लो, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि जो ये पर्सन बता रहा है ये कौन है ना, इसके मेरे बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के साथ साथ अभी मैं 12th क्लास की स्टडी करता हूँ एंड स्टडी के साथ साथ अभी मैं अफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ और खुद मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट भी हूँ, सेल्स एंड कंटेंट क्रिएशन भी हूँ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, सो वहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेंट्स मैंने डाले हैं जहाँ से लोगों को हेल्प मिलता है एंड ग्रो करने में उनको हेल्प मिलता है, ठीक है। और अफिलिएट मार्केटिंग और उसके साथ साथ एड एक्सपर्ट भी हूँ, लोगों को मैंने सर्विस प्रोवाइड किया, कम से कम 2 से 4 हजार लोगों को मैंने सर्विस भी प्रोवाइड किया है कि कैसे आप लीड को ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकते हो फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है। सो ये शॉर्ट में मेरी स्टोरी है एंड बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि क्या क्या स्ट्रेटेजी है जिसको आप फॉलो करके आज के डेट में आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ पीपल, जब भी अफिलिएट मार्केटिंग में आप कदम रखते हो, लाइक जब आप स्टार्ट करते हो अफिलिएट इंडस्ट्री में, तो 3 तरह के लोग अफिलिएट मार्केटिंग में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजर, एमेच्योर एंड लीडर, ये 3 तरह के लोग आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे समझना ये जरूरी कि पोजर कौन सा होता है, कई सारे लोग का माइंडसेट क्या होता है यहाँ पे कि पोजर मतलब ये होता है कि जब पर्सन अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करता है ना, तो उसका एक माइंडसेट होता है कि मैंने जितना लगाया है ना उतना मेरा आ जाए, बाकी अफिलिएट इंडस्ट्री से मुझे कुछ मतलब कुछ और चाहिए नहीं, मैंने 2000 4000 जो भी इन्वेस्ट किया है मेरे को इतना कमाना है, 2 से 4 हजार मेरा निकल जाए फिर अफिलिएट वगैरह छोड़ दूंगा और मुझे कुछ नहीं करना। ये एक पोजर का माइंडसेट होता है, ये पोजर इस तरीके का माइंडसेट लेके इस अफिलिएट इंडस्ट्री में आता है। सेकेंड ऑफ ऑल इमेच्योर क्या होता है कि वो ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का लोग होता है, ओवर कॉन्फिडेंस का माइंडसेट लेकर के आता है कि यहाँ पे कोर्स ये तो प्रमोट करना, अभी देख मैं अपने दोस्तों को इसको उसको प्रमोट करके आता हूँ, आज ही करोड़पति बन जाऊँ, मतलब कोई चीज ना सीखेगा ना समझेगा, डायरेक्ट मैदान में उतर जाएगा। ये एक इमेच्योर का माइंडसेट होता है। एंड सबसे जो बेस्ट है वो लीडर, मैं ना लीडर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बिकॉज लीडर का एक ऐसा माइंडसेट होता है जो कि अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद उसका ये माइंडसेट कहता है कि पहले मैं अफिलिएट की हर एक प्रोसेस को जानूंगा, समझूंगा कि लाइक इसमें वर्क कैसे होता है, ये अफिलिएट इंडस्ट्री है क्या, इसमें क्या क्या काम करूंगा जहां से मैं इनकम को जनरेट कर, वो सारी स्ट्रेटेजी जब तक वो सीखता नहीं है, लर्निंग पे फोकस नहीं करता है, और लर्निंग करने के बाद फिर वो बोलता है जब तक मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा तो रिजल्ट आज नहीं कल आएगा, लेकिन आएगा ही जरूर, उसको एक ये इतना बिलीव होता है, लेकिन पहले वो पैसे के पीछे नहीं भागता, ये एक लीडर का माइंडसेट होता है। तो आप लोग मुझे जरूर आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में बताना कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, थर्ड में या सेकेंड में या फर्स्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि जैसे मान लेते हैं एक आर्मी वाला है, ठीक है, एक पर्सन है, अब वो भाई एक तरीके से ना उसको हथियार चलाना आता, मतलब एक आर्मी वाला है, लाइक ना वो ट्रेनिंग लिया है जो कि 7 से 8 महीने का ट्रेनिंग होता है ना आर्मी में, ना वो लिया है, ना उसको मालूम है कि कहाँ और किस एंगल से हम अपने जो भी शूट करेंगे तो किस तरीके से क्या होगा, कैसे आगे वाले पर्सन को मारेगा, यानी जो भी हमारा उसका शत्रु होगा, ठीक है, हम अगर उसको हम हथियार दे देंगे तो क्या वो चला पाएगा, आप ही बताओ, नहीं चला पाएगा ना, ना वो उसने ट्रेनिंग लिया है, ना उसको मालूम है कि कहाँ से और किस एंगल से शूट करना है, कुछ नहीं मालूम है, तो क्या वो चला पाएगा,
मर के आएगा, फिर मार के आएगा, मुझे एक चीज बता, तो डेफिनेटली वो मर के आएगा। ये एक पोजर का होता है, ये पोजर का काम होता है, ना कुछ सीखेगा ना समझेगा, डायरेक्ट उतर जाता है मैदान में। सेकेंड डे फॉल, वही इंसान। अब गाइस उसने तो ट्रेनिंग लिया हुआ है, ठीक है, उसने ट्रेनिंग लिया हुआ, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि कहाँ और किस एंगल से किसको शूट करेंगे, तब वो इंसान मर जाएगा। उस तरीके से उसको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसा होता है कि वो इंसान है, वो ट्रेनिंग भी लिया है, उसको मालूम भी है कि कैसे और कहाँ के सिंगल पे कैसे मारेंगे इस इंसान को, एक ही बार में मर जाएगा, तो डेफिनेटली वो मार के आएगा। तो एक लीडर का होता है कि भाई जब तक मैं पूरा प्रोसेस को नहीं समझूंगा, जब तक मैं सीखूंगा नहीं, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे पैसा नहीं, पहले मुझे नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो आपसे भी मुझे बताना आप किस कैटेगरी में आना चाहती हो। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि लैपटॉप का माइंडसेट होना चाहिए। इस अफिलिएट इंडस्ट्री में कई सारे लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, कुछ इनकम भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो मैं सारा रीजन यहाँ पे मैं बताऊंगा, आपका ऐसा क्या माइंडसेट होना चाहिए जिसके थ्रू आप मेरी तरह ग्रो कर पाओ और भी लोगों की तरह ग्रो कर पाओ। तो आपका एक लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, गिव टाइम टू योरसेल्फ फॉर लर्निंग। आपको ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम जो देना है वो लर्निंग के ऊपर देना है, खुद का ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने लर्निंग के ऊपर, सीखने के ऊपर इन्वेस्ट करना है, कि जहां से आपको मिले कि यहाँ से ये चीज सीखना है, वो चीज सीखना है। जो भी आपको क्वेश्चन डाउट होता है अपने मेंटोर से पूछो, यूट्यूब पे चले जाओ या फिर मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आप कनेक्ट हो जाओ, सारा कुछ मैं आपसे करूंगा, आप मुझे बताते रहना। लर्न द होल प्रोसेस ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। आप सभी को जब तक अफिलिएट मार्केटिंग का आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि जब तक मैं अफिलिएट मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस नहीं जान लूंगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। आपका एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, जब तक आप पूरा प्रोसेस नहीं अफिलिएट के बारे में जानूंगा, कि अफिलिएट का ए क्या होता है, बी क्या होता है, सब कुछ जब तक नहीं सीख लूंगा, तब तक आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, ये आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। फोकस ऑन लर्निंग फॉर एटलीस्ट 15 to 20 days। कई सारे लोग अफिलिएट मार्केटिंग में आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन, एक भी दिन नहीं, 2 दिन, 4 दिन भी नहीं, मतलब बहुत ऐसा बोलते हैं ना कि सर आज स्टार्ट किया मेरा पैसा नहीं आया, कल से ही परेशान, सर पैसा नहीं आ रहा पैसा। भाई आपको फोकस करना पड़ेगा कम से कम 15 से 20 दिन लर्निंग पे, सीखने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या ऐसा स्ट्रेटेजी है, क्या क्या मैं यहाँ से सीखूंगा, किस तरीके से यहाँ पे क्या काम है करूंगा, पैसा आएगा। सब कुछ आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया, बताया गया, जो आप पैकेज लिए हो, बस आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। नहीं, आप मेरे सीरीज से कनेक्ट रहो, मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। वरीड योर इम्प्रूवमेंट्स एरियाज एंड ट्राई टू फिक्स इट। आपको क्या करना है, अपना एक क्राइटेरिया फिक्स करना है कि लाइक यार मुझे ना 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर मुझे पैसा कमाना है, 20,000 कमाना है, अपने अंदर इतना सारा इम्प्रूवमेंट लाना है। आपको एक क्राइटेरिया अपने आप को देना है कि मुझे इतने दिन के अंदर अपने अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट लाने हैं, बहुत सारी चीजें अपने अंदर न्यू न्यू लानी है। आप एक गोल्स लो कि मुझे इतने दिन के अंदर इतना सब कुछ चेंजेस लाना है, ठीक है। सो आपका एक ये लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों पे काम करते हो तो डेफिनेटली मैं इतनी गारंटी कहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से अफिलिएट में ग्रो कर सकते हो, ज्यादा और कुछ नहीं है, आगे बढ़ते। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज शेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, फ्लक्चुएशन मेंटेन कंसिस्टेंसी। फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव, ठीक है। ये होता क्या है, जब कई सारे लोग का ये माइंडसेट होता है ना कि फ्लक्चुएशन मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी आप काम करते हो तो आपकी जिंदगी में देखो, आप कभी कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, मतलब ऐसे 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 ग्राफ चलता रहता है, कभी सुख कभी दुख, है ना, कभी प्रॉब्लम कभी नहीं प्रॉब्लम, कभी हाँ बहुत ज्यादा खुशी होती है लाइफ में, कभी बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो ये चीज होती है हर किसी के जिंदगी में। तो बिजनेस में भी आप जब ये अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किए हो ना, तो आप कभी भी आपको लग रहा होगा कि मैं सर मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। आपको एक चीज फॉलो करना है, आप डेली बेसिस पे जो काम करते हो ना, बेशक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी, कभी कभी आप पैसा कमाओगे, कभी कभी नहीं कमाओगे। इस सिचुएशन में आपको अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, मतलब लगातार कम से कम 2 से 4 घंटे आपको फिक्सेबल देना है तो देना है, कैसे भी करके देना है तो देना है, एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीजें आपका आपका भाई यही चीजें डिसाइड करेंगी कि आपको जाना कहाँ है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। तो आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा, आपको कंसिस्टेंसी अपना मेंटेन करना है, काम करने का जो आपका तरीका है उसको मेंटेन करना, कि एक भी दिन मुझे गैप नहीं करना। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ।
कई सारे लोग का माइंडसेट ऐसा होता है ना कि वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से कि यार मैं ना अभी 5 दिन 10 दिन 1 महीना हो गया मेरे को स्टार्ट किए हुए, वो बंदा भी 10 दिन नहीं हुआ स्टार्ट किए हुए, उसका 10,000 हो गया है, 20,000 हो गया है ना, वो मेरे से क्यों इतना ज्यादा ग्रो कर पा रहा है, मेरी तो किस्मत खराब है। मतलब ऐसे कई सारे निगेटिव वर्ड्स आप अपने बारे में बोलते हो। आपको मैं आज एक चीज बताता हूँ, डो नॉट कंपेयर योर सेल्फ, अपने आप को कभी भी किसी से तुलना मत करो गाइस। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी से कंपेयर करोगे अपने आप को कम ही पाओगे। और आप एक यूनिक पर्सन हो, क्यों नहीं समझते हो? आप पूरे इस वर्ल्ड में एक यूनिक पर्सन हो, जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। तो एक चीज मैं आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। आप लोगों ने ताजमहल का नाम सुना है ना, ताजमहल सुना है ना? ओके ओके, सो ताजमहल को बनने में कितना टाइम लगा? ताजमहल को बनने में कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा ना? ओके ओके, बहुत टाइम लगा, चलो अच्छी बात है। बहुत टाइम लग गया ताजमहल को बनने में, लेकिन जब बना तो क्या बना? अनोखा, अद्भुत, पूरी दुनिया में सबसे अनोखा। तो एक चीज मैं अपने अंदर एक चीज मैं बैठाता हूँ हमेशा से, और आप सभी को भी कह रहा हूँ कि कभी भी ना आपको ऐसा कुछ लगे कि टाइम लग रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा है जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर जिस चीज में टाइम लगता है ना वो चीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है और बड़ा मिलता है। जिस चीज में टाइम लगता है वो चीज हमें डेफिनेटली बहुत कुछ बड़ा रिटर्न हमें देता है। तो ये चीज अपने अंदर लाओ। अब कई सारे लोग के जैसे होता है ना, कई सारे लोग मेहनत करते हैं बाइक के पीछे, अब क्या पता उनके लाइफ में भाई कार लिखी हो नसीब में और आप बाइक के पीछे परेशान हो, तब आगे बढ़ो ना, क्यों इन सब चीजों के पीछे परेशान? जो नहीं मिल रहा उसके पीछे क्यों परेशान होगा? लेकिन अपना अगला टारगेट देखो, क्या पता वो चीज आपके नसीब में। तो मेहनत आपका रुकना नहीं चाहिए, कंपेयर किसी से मत करो, जो आप कर सकते हो किसी का बाप भी नहीं कर सकता है। अपने ऊपर बिलीव रखो, आप एक यूनिक पर्सन हो, ठीक है? डो नॉट डिपेंड ऑन योर मेंटोर, ट्राई टू इंडिपेंडेंट। कई सारे लोग का माइंडसेट यहाँ पे ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग में कि ना वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, वो बोलते हैं सर मेरा मेंटोर जब बोलेगा आ करो तब आ करोगे, है ना? मतलब जब बोलेगा ये करो वो करो तब आप वो करोगे। आपको अपने ऊपर डिपेंड होना है। आपके मेंटोर का काम था, वो ज्वाइन करवाया, आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, उसके बारे में सीखना समझना और वहां से लर्निंग लेकर के आगे बढ़ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी आप किसी पे डिपेंड मत रहो, आप अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहो कि मैं करूंगा कुछ भी हो जाए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको नीचे मिल जाएगा सारा कुछ। आप लोग को अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना है, किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है। प्रॉपर तरीके से अगर आपका मेंटोर गाइड कर रहा है तो बेस्ट है, नहीं कर रहा है तो अपना काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? सेट योर वीकली एंड मंथली गोल्स। आप सभी का एक वीकली एंड मंथली का एक गोल्स होना चाहिए कि मुझे ना एक हफ्ते में कहाँ जाना है, मतलब मुझे एक हफ्ते में अपने अंदर कितना चेंजेस लाना है, क्या सीखना है नहीं सीखना है, या फिर एक महीने में मुझे क्या अचीव करना है। जब तक तो आपका गोल्स नहीं होगा तब तक तो आपको भगाने वाला है। मतलब विजन और मिशन होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ, और वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है? कि आपको जाना कहाँ है, अपना ड्रीम लिखो, अपने सपने लिखो कि आपको क्या क्या सपने यहाँ पे इस फील्ड में लेकर के आओ, क्या अचीव करना चाहते हो, उस तरीके से काम करोगे तब भाई आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है? अगर कोई आपका मिशन और कोई विजन नहीं है तो काम नहीं कर सकते, किसके लिए काम कर रहे हो फिर? कोई फायदा नहीं है इन सब कामों का करने का, जब आपका कोई मिशन और विजन है ही नहीं। तो आपको ना अपने अपने विजन पे ध्यान देना, मिशन पे ध्यान देना कि आप जाना कहाँ चाहते हो, करना क्या चाहते हो, ठीक है? एंड यहाँ पे एनालिसिस योर सेल्फ, डो नॉट ब्लेम ऑन योर मेंटोर एंड कंपनी। अब गाइस मैं एक चीज आप सभी को बताता हूँ, कई सारे लोग का माइंडसेट ऐसा होता है ना कि अपलेट मार्केटिंग में आते तो है, ठीक है, अपलेट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट तो करते हैं, वहां पे क्या होता है कि जब ना वो ग्रो नहीं कर पाते, मेहनत तो करते हैं थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, और निगेटिव उनके दोस्त यार भाई बहन सब निगेटिव कर देते, तो ये बोलना स्टार्ट करते हैं यार साला कंपनी खराब है ना, कंपनी फ्रॉड निकली, और जो मेरा मेंटोर था वो तो मेरे को चूतिया बना के 2,000 4,000 ले गया। मैं आप सभी को एक चीज बताऊंगा गाइस, कभी भी कंपनी को बुरा नहीं कहना है, कभी भी मेंटोर को, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना, ब्लेम करो तो खुद पे करो, क्योंकि आपको पता है हर एक फील्ड में एक अच्छा इंसान भी होता है बुरा भी इंसान भी होता है, होता कि नहीं होता है? अब सपोज है जॉब, जॉब के साइड में देख लो, कई सारे लोग जॉब के लिए भाई फॉर्म तो फिल करते, क्या हर कोई जॉब पाता है? नहीं। आपके क्लास में क्या हर कोई टॉपर होता है? नहीं, है ना? नहीं होता ना। ओके, और ऐसे कई सारी चीजें, हर एक इंसान सक्सेसफुल भी नहीं होता, अनसक्सेसफुल भी नहीं होता है, जो मेहनत करता है वो सक्सेस। तो इसी कंपनी है, इस कंपनी में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ग्रो भी कर रहे हैं,
आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हो, एफर्ट नहीं डाल रहे हो। तो कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, बुरे हम होते हैं, बुरे आप होते हैं कि आप मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। तो मेहनत करना स्टार्ट करो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है, ठीक है? ओके, तो आपको किसी भी चीज को बुरा नहीं करना, जिस कहते हैं ना जिस पतले में खाते उस पतले में कभी छेद नहीं करना चाहिए, तो ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है? जहां से आपका गुजारा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिला, तो उस चीज को बुरा नहीं कहना है, ओके, कभी भी किसी को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे आपको ये सारे कुछ बेसिक्स माइंडसेट रखना है, ठीक है? अब लर्न द बेसिक स्किल्स, आप सभी का एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ना पहले छोटी छोटी चीजें सीखना है, छोटी छोटी चीजें जानना है, यहाँ पे क्या है, कैसे करना होता है। वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप काम करो। आपका एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, बातचीत कैसे करना, किसी का मतलब किसी की भावनाओं से ही समझ जाए वो आगे वाला पर्सन चाहता क्या है। ये सारी चीजें सीखोगे ना तो बिजनेस में 10x+ आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है? वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग, आप सभी का एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ना अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है, अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप करना है। सेल्स स्ट्रेटजीज को जानो, आपकी ऐसे क्या क्या सेल्स के स्ट्रेटजीज है जिसको हम करके 10x अपने सेल्स में ग्रोथ ला सकते हैं। कई सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, जाके उसको देखो ना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सेल्स किया जाता है। एंड सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स, आप सभी का एक माइंडसेट होना चाहिए कि मैं सोशल मीडिया के वो सारे एल्गोरिथम्स को जानूंगा और उस पर काम करूंगा, देन मैं यहाँ से सक्सेस हो सकता हूँ और उसके थ्रू फेमस हो सकता हूँ। तो आप जब इन सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे, छोटी छोटी चीजों पे काम करोगे, तभी आप बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो, ठीक है? सीधा आसमान का सपना नहीं देखना है, पहले आपको अपने जड़ों को मजबूत करना है, कि यहीं से ही आपका होता है ना, एक पेड़ होता है तो वो डायरेक्ट पेड़ ही नहीं बन जाता, पहले बीज होता है, फिर उसमें से छोटे छोटे पत्ते, फिर उस तरीके से बड़ा होता है, कई सारी प्रॉब्लम्स को जड़ता है, कीट मकोड़े, बहुत सारी चीजें उसको तंग करते, लेकिन तब भी वो बढ़ता है, और जब एक बार बढ़ जाता है तो बहुत ऊपर तक जाता है, फल वगैरह सब कुछ देता है। तो आप सभी का एक माइंडसेट होना चाहिए कि पहले मैं छोटी छोटी चीजें सीखूंगा और इन्हीं सब चीजों को सीख करके आगे जाऊंगा, ठीक है? आपका एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए गाइस। एंड इस फील्ड में आपका देखो क्लोजिंग, एडिटिंग, फॉलोअप, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, अलग अलग ट्रेनिंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है? जी, इन सब चीजों पे काम करते हो ना, तो इतनी मेरी गारंटी है आपकी जो इनकम है वो 10x+ हो सकती है, ठीक है? ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में शेयर करूंगा। हाँ, अब एक चीज और यहाँ पे गाइस, की इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोर गुरु। अब आप सभी मुझे चैट बॉक्स में बताओगे कि आपके लाइफ में मेंटोर या फिर गुरु का होना जरूरी क्यों होता है। आप सभी एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूरी है चीज बताना, ठीक है, कि लाइफ में मेंटोर या फिर गुरु का होना जरूरी क्यों होता है, जिस जिस तरीके से आपको मालूम हो वो चीज मुझे बताओ। कई सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो हमको गाइड करे, राह गलत सही का राह बताए, ये मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, चलो अच्छी बात है। ओके, अब मैं आपको एक एक आज मैं रियल डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है? एक बार मैं बैठा हुआ था तो मेरा एक डाउनलाइन था, ओके, वो मेरे पास आता है और बोलता है, महेंद्र सर, महेंद्र सर मुझे ना बताओ कि लाइफ में गुरु का होना क्यों जरूरी है। अब मैं भी कंफ्यूज भाई, मैं भी मतलब सोच में पड़ गया, क्या बताऊं उसको, क्या जवाब दूं, है ना, इन सब चीजों में। तो और पूछ रहा, मैं कहा भाई क्यों जानना चाहता है ना, मैं कहा भाई तू बता क्यों जानना चाहता है आज की, हाँ मैं लाइफ में मेंटोर या फिर गुरु का होना जरूरी क्यों है। तो वो बोलता है, महेंद्र भाई जानता नहीं हूं तभी तो जानना चाहता हूँ, जानता नहीं हूं तभी तो जानना चाहता हूँ। मैंने बस एक चीज उससे बोला कि जो तू नहीं जानता है और वो तेरे मेंटोर को बता और तू जानना चाहता है, इसीलिए लाइफ में मेंटोर का होना जरूरी है। जो तू नहीं जानता है वो तेरे मेंटोर को पता है और तू जानना चाहता है, इसीलिए लाइफ में मेंटोर का होना जरूरी है। जैसे अफिलिएट इंडस्ट्री, अफिलिएट इंडस्ट्री, अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस, जीरो सब कुछ है, और आप जानना चाहते हो मैं आपका मेंटोर हूँ, है ना, और आप मेरे से जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि कैसे सर एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करें, कैसे यहाँ से पैसा कमाए। तो वो सारी स्ट्रेटेजीज, वो सारी चीजें मैं आप सभी को शेयर करूंगा, ठीक है? तो ये एक मेंटोर का एग्जाम्पल है। अब एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक गांव में ना दो दोस्त रहते थे, एक था लंगड़ा, एक था लूंगा, ठीक है? एक अंधा था, एक लंगड़ा था, एक अंधा था एक और एक लंगड़ा था। ये दो दोस्त आपस में साथ में उस गांव में, उस बस्ती में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस बस्ती में ना लग गई आग, ठीक है, उस बस्ती में एक बार लग गई आग, और उस बस्ती में जितने भी लोग थे गए भाग, उस बस्ती में जितने भी लोग गए थे वो गए भाग। अब ये अंधा जो था वो भागते हुए
जा रहा था आग के पास, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, और जो लंगड़ा था वो चल नहीं पा रहा था। तो वो चिल्ला के बोला, कई बार चिल्लाया, भाई तू रुक जा रुक जा रुक जा, आ गए आ गए आ गए। तो उसको सुनाई दिया, ठीक है, एतलात उसको सुनाई दिया। अब उसको सुनाई दिया तो बोला, तू वहीं रुक जा जहां पे है, आगे मत जाना, नहीं आ गए। तो बोला ठीक है। अब लंगड़ा क्या किया, किसी भी तरीके से रेंगते फांगते उस अपने दोस्त के पास पहुंचा, कंधे से गले लगाया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके जब पास पहुंचा तो उसने एक चीज बहुत ध्यान से सुनना कि लाइफ में मेंटोर का होना जरूरी क्यों होता है। तो उसने कहा, भाई एक काम कर तू मुझे ना अपने कंधे, लंगड़ा जो था वो बोला, तू मुझे एक काम कर अपने कंधे पे बैठा ले, मैं तेरे को रास्ता बताऊंगा और तू चलते रहियो। तो बोला ठीक है भाई। अब देखो लंगड़ा जो था वो चल नहीं सकता था, लेकिन उसके कंधे पे बैठा और अंधा था, दिखाई नहीं दे रहा था, अंधा चलना स्टार्ट किया, अंधे के पास पैर था। तो ये इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि लाइक आपके मेंटोर का नजर अगर आप पे है ना, अब देखो खुद सोचो, वो सब बंदे के पास पैर नहीं है लेकिन वो रास्ता दिखा रहा है, और अंधा इंसान भी चलते जा रहा है। सोचो एक अंधा इंसान चलते हुए जा रहा है। तो अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव है, मेरे इस बिजनेस के ऊपर बिलीव है कि सर सच में बहुत कुछ हो सकता है, मैं आपके ऑलवेज साथ हूँ, तो मैं भी आपके ऑलवेज साथ हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं कैसे बिलीव कर दूँ, आप बताओ मुझे, नहीं कर सकते ना। तो यही चीज है गाइस, ठीक है। एंड इसलिए लाइफ में मेंटोर का होना जरूरी है, इसलिए अपने आप मेंटोर अपने गुरु की हमेशा इज्जत करो, कभी भी उनको ये मत फील होने दो कि ये भाई ये है वो है घमंडी है ये है वो है ना। अच्छे से दिल से सच्चे दिल से पेश आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट इज सक्सेस, कई सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर सक्सेस क्या है, सफलता क्या है ना, कई सारे लोग मेरे से पूछते हैं। तो मैं आज आपसे पूछता हूँ कि आपके शब्दों में सक्सेस का होना सक्सेस क्या है, आपके शब्दों में सभी लोग बताओ। सब कुछ हासिल कर देना ये वो, चलो 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 चलो, बहुत अच्छी बात है, बता रहे हो भाई अपने अपने तरीके से, जो भी बता रहे हो बेस्ट बता रहे हो। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, कि पहले पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक देखो आपको काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेस वह होता है, ठीक है, जैसे आपके पास रोटी है, कपड़ा है और एक मकान है, छत के नीचे रह रहे हो, खा पी रहे हो अच्छे से और कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसे की प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ अभी मतलब आपके पास दो वक्त की रोटी कपड़ा, रोटी और मकान कपड़ा सब कुछ है, ठीक है। और खुद सोचो गाइस, कई सारे लोग के पास ये नहीं है, कई सारे लोग के पास झोपड़ी तक भी नहीं है। तो पहले सक्सेस का मतलब यही होना चाहिए कि जितना भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल हो, कि थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच खुदा, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है ना, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जो नहीं, जो आपकी जिंदगी में नहीं है उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो, आप जहां जाना चाहते हो उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से एक सक्सेस क्या का एक डिफिनेशन होता है, बाकी मैं आपको आगे शेयर करता हूँ। पहले जितना है उतने में खुश रहो कि मेरे पास ये है, कई सारे लोगों के पास ये भी नहीं है। सो सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट डू यू ओकेशनली, बट व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। ओकेशनली मतलब होता है कभी कभार, सक्सेस कभी कभार काम को करने के लिए नहीं आते, मतलब आप कोई भी काम अगर कभी कभार कर रहे हो, डेली नहीं कर रहे हो, तो उससे सफलता आपको नहीं मिलने वाली। ओकेशनली मतलब कंसिस्टेंसली मतलब रहता है कि लगातार, बट लेकिन अगर आप कोई भी चीज लगातार करते हो तो डेफिनेटली उस चीज में आप सक्सेस हो जाते हो। तो सक्सेस जो है कंसिस्टेंसी पे मेंटेन करता है, कि आप कोई भी काम लगातार कितना और किस तरीके से करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके चलो, तो सक्सेस कभी भी कोई भी काम कभी कभार करने पे नहीं आती, अगर आप कोई भी चीज लगातार करते हो तो डेफिनेटली उस चीज में आप सक्सेस हो सकते हो, ठीक है। ओके, इस तरीके से आज का ये ट्रेनिंग था। अगर आप इन सब माइंडसेट के ऊपर काम करते हो, इन सब तरीके के ऊपर काम करते हो, तो मेरी इतनी गारंटी है भाई, आप जहां हो वहां से कई गुना आगे जा सकते हो, ठीक है। आपको इस तरीके से अपना माइंडसेट डेवलप करना है कि भाई कोई भी चीज तत्काल में नहीं होती यार, कि आप आ जाए आज ही करोड़पति हो जाओगे, टाइम लगता है हर एक चीज में, बदलने में टाइम लगता है, संभलने में टाइम लगता है। तो ये तो सक्सेस है भाई, ये भी तो इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी है, तो आपको ना फोकस करना है अपने लर्निंग के ऊपर, ठीक है। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो कभी भी अपने अंदर ये मत लाना कि मेरे से नहीं होगा, आपका बिलीफ सिस्टम ही आपका तय करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो, ठीक है। तो बिलीव रखो अपने ऊपर, जहां आप जाना चाहते हो जिस तरीके से करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो इन सब आप पॉइंट्स पे काम करोगे एंड
सबसे बड़ी चीज जो है ना, इसको भाई कॉपी में नोट डाउन करते हुए जरूर चलना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं आपको आगे की और ट्रेनिंग लेके आ पाऊँ और भी अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको सिखा पाऊँ, ठीक है? इसी के साथ साथ हम इस ट्रेनिंग को एंड कर दें, और जितनी भी चीजें मैंने आप सभी को शेयर करी है भाई, उस चीज पे काम करना स्टार्ट कर दो। मेरी इतनी गारंटी है, आप जहां हो वहां से कई गुना आगे जा सकते हो, ठीक है? ओके ओके, चलो मीटिंग को एंड करते हैं एंड